नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने बहन नाजिया खातून जी के लिए अपील करने आए हैं कि वो इस समय मुस्तफाबाद विधानसभा की ब्रिजपुरी सीट से आपके बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में 4 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो नाजिया खातून जी को केवल इसलिए वोट नहीं देंगे कि वो आपके क्षेत्र से, बल्कि इसलिए वोट देंगे कि उनके जिस तरह से सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं और अपने हस्बैंड के साथ मिलके जो जावेद भाई हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, किसी से नहीं छुपा कि किस तरह से उन्होंने इतने वर्षों में वहाँ मुस्तफाबाद में रहते हुए जन जन की लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक वो माने गए हैं, गंगा जमनी तहजीब के लिए एक मिसाल है, तो उस मिसाल को देखते हुए और कांग्रेस की, सबको पता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आए हैं, तो उनका एक ही मकसद रहा है और एक ही नारा रहा है, वो विकास रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में फिर से विकास हो और ये फिरका परस्ती ताकतों को एक साइड में रखा जाए, चाहे ये आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सबको पता है कि ये दोनों की ए टीम और बी टीम के रूप में काम करते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा आपके विकास का, आपके क्षेत्र के भले के लिए काम किया है। इस समय कांग्रेस की सरकार थी तो सबको याद है कि मुस्तफाबाद का क्षेत्र का अगर विकास किसी ने किया है तो हसन अहमद साहब ने, जो अपने विधायक के कार्यकाल में किया है, लोग आज भी उस काम को याद कर रहे हैं। उसके बाद से कोई नए काम का पत्थर मौजूदा सरकार से विधायक जो रहे हैं नहीं रख पाए। आप बता दीजिए, अगर आपके मुस्तफाबाद पूरी विधानसभा में कोई नया काम इन्होंने किया, जो कांग्रेस की सरकार जो आपको दे गई थी तोहफा, वही चल रहे हैं जो हसन अहमद साहब ने जो विकास किए थे, उनको रख रखाव भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हसन अहमद साहब का चेहरा देख के, कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार का चेहरा देख करके और कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए इनको इस बार आप पूरे बहुमत से विजय मनाएंगे, ताकि फिर से कांग्रेस की सरकार आपकी सेवा के लिए तैयार रहे।